ताकि लूटने खाने वाले को शक्ति खत्म हो जाएगी। जय जय श्री राधा। ठीक हो जाएगा, लगाओ महाराष्ट्र ठीक हो जाएगा। जय जय श्री राधिया, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। अब भगवान श्री राम का आगमन हो चुका है, अब अपने राज सिंहासन पर बैठेंगे। मुझे जो संकेत मिला है कि अब राम राज ही आएगा, सबको न्याय मिलेगा और सब धर्म के ही मार्ग पर चलेंगे। पहले लोग फिल्मी वीडियो देखा करते थे, भोजपुरी गाने पे डांस करते थे, लेकिन अब देखो तो हर धाम में लोग जा रहे हैं। इस समय खाटू धाम में देखो तो 2 लाख से ज्यादा जनता रोज जा रही है। कृष्ण भगवान के धाम में देखो तो लाखों लाख जनता जा रही है। सभी लोग भारत के रामराज आने वाला है और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे और सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा, सबका दुख कटेगा। राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब भगवान श्री राम अपने स्थान पर बैठ रहे हैं, अब उस देश का राज वही चलाएंगे समझ लीजिए, और उनके राज में प्रजा कभी दुखी न रही है और न रहेगी। भगवान श्री राम से मिली थी। भगवान राम जी ने प्रजा के लिए अपना राज महल त्याग कर दिया और प्रजा की ही बात मानकर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और माता जी की, पिताजी की आज्ञा मानकर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा है और कितने साधु संतों का उद्धार भी किया है। भगवान राम परम त्यागी, परम ज्ञानी और स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही है, इसलिए अब वो समय फिर आ रहा है जब भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। और मुझे जो संकेत मिल रहा है कि राम राज ही आएगा, सबका कल्याण होगा। हम सबको 22 जनवरी को खुशियों के दीप अपने घर में हम लोग जलाएंगे और जैसे हर साल दीपावली मनाते हैं तो वो भी दीपावली भगवान राम अयोध्या को आए थे तब नगरवासियों ने खुशियों के दीप में जलाए थे, आज फिर पुनः उसी सिंहासन पर विराजमान होंगे और फिर खुशियों के दीप जलेंगे। वो भगवान श्री राम चंद्र जी की और उन्हीं की कृपा यहाँ भी है, जो मन की कृपा से यहाँ भी जय जयकार हो रही है, यहाँ भी उन्हीं की दया से सब कुछ हो रहा है, सबके दुख कट रहे हैं। वही हनुमान जी यहाँ भी है, वही नारायण यहाँ भी है, महाराज तो उनके सेवक हैं, जो महाराज हमारे देवता कुल के देवता हैं, और महाराज की ही कृपा से सब कुछ होगा। नाम महाराज का होगा, कृपा राम की होगी, राम की। बहुत जल्दी महाराज ने आज के 8-10 महीने पहले ही संकेत दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान शिव की शक्ति इस जगह पर जरूर आएगी और जब आएगी तो लोगों को दिखेगी कि हाँ महाराज की शक्ति दिन रात बढ़ रही है, तो कृपा महादेव की होगी, नाम महाराज का होगा और उन्हीं की कृपा से भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित होगा और फिर देखना कि कैसी शक्ति यहाँ पर चलती है।
इसलिए आप सब मन में निराशा मत रखना, बस आते जाते रहो, आपका दुख करता जाएगा। महाराज के यहाँ आज मैं कह देता हूँ, जो प्रसाद खा लेगा भोजन का, उसका भी दुख कट जाएगा। समूती की बात कर दो, वो प्रसाद जो एक एक घर से एक एक किलो अनाज से चल रहा है, उसमें महाराज का आशीर्वाद है और हमारे कान्हा का भी आशीर्वाद है कि जो उसको भी खाएगा चार कवर तो उसका भी दुख कट जाएगा। हर जगह महाराज की ही कृपा है। तो आप भगवती यह कीजिए और महाराज का प्रसाद ग्रहण किया कीजिए और उसी से आपका कल्याण।